एक गांव में गरीब किसान का परिवार था। अब खेती किसानी से बात नहीं बन रही थी, तो किसान की पत्नी ने उससे कहा, बिल्लू के पापा इस बिल्लू को शहर में काम करने के लिए भेज देते हैं, जिससे हमारे घर की तंगी भी दूर हो जाएगी और ये भी कुछ काम धंधा सीख जाएगा। तब बिल्लू के पापा ने बिल्लू को बुलाकर बड़े प्यार से सारी बात समझाई और बोले, बेटा अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा, यहाँ तो अब कुछ नहीं बचा है। ये बात सुनकर बिल्लू बोला, जी पिताजी मैं आज ही शहर निकल जाता हूँ, और शहर जाकर काम धंधा ढूंढने लगा। दो तीन दिन उसने कई जगह पर काम की तलाश की, पर काम धंधे का जुगाड़ नहीं हो पाया। तभी वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वही पास में एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। सब आते जाते लोग उसे देखकर मुंह बिगाड़ कर निकल जाते। तभी बिल्लू को एक तांगे में एक सेठ जी अपनी बिल्ली के साथ बैठे हुए आते दिखाई दिए। जैसे ही वो वहां से गुजरे कि अचानक उनकी बिल्ली सेठ की गाड़ी में से कूदकर नीचे झाड़ियों की तरफ भाग गई। अब सेठ भी नीचे उतरकर उस बिल्ली को ढूंढने लगा। ये सारा नजारा बिल्लू चुपचाप बैठा बैठा देख रहा था। तभी सेठ चिल्लाने लगा, कोई तो मेरी प्यारी बिल्ली टिमटिम को पकड़ो। सब लोग सेठ को देखने लगे, पर कोई भी टिमटिम बिल्ली को पकड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी बिल्लू को उस मरे हुए चूहे को देखकर कुछ ख्याल आया कि अगर इस मरे हुए चूहे को काम में ले लिया जाए तो सेठ की बिल्ली को मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ, और वो ये सोचकर सेठ के पास जाकर बोला, सेठ जी मैं आपकी बिल्ली को पकड़ सकता हूँ, पर उसके बदले में आप मुझे क्या इनाम देंगे? तब सेठ बोले, बेटा मैं तुझे एक सोने का सिक्का दे दूंगा। ये सुनते ही बिल्लू खुश हो गया और फटाफट एक रस्सी से उस मरे हुए चूहे को बांधा और झाड़ियों के पास उसको लटकाने लगा। अब टिमटिम बिल्ली भी मरे हुए चूहे की खुशबू सूंघकर झाड़ियों से बाहर आ गई। तब बिल्लू उस टिमटिम बिल्ली को प्यार से सहलाने लगा और उसको धीरे से उठाकर सेठ को दे दिया। तब सेठ ने खुश होकर उसे एक के बजाय दो सिक्के दिए और बोले, बेटा तू बहुत बुद्धिमान है, तू मेरे यहाँ पर काम करना चाहेगा क्या? तब बिल्लू बोला, जी जरूर सेठ जी। और इस तरह से बुद्धिमान बिल्लू ने अपनी बुद्धि का सही समय पर प्रयोग करके सफलता प्राप्त की। तो मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।